प्रसव के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली। आज प्रश्न है विधानसभा पर धन कैसे देना, विधानसभा और विधान कैसे देना, इनका तुलनात्मक रूप से इनमें क्या क्या संबंध है, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। पारस्परिक संबंध विधानसभा व विधान परिषद में होती है। पारस्परिक
सब वोट देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट वर्ग समिति। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं, चुनाव करते हैं, तो एमएलए को सब वोट देते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इसके अंतर्गत केवल क्या होता है, विशिष्ट वर्ग को ही शामिल किया जाता है। मैंने आपको लिखा था एक बट्टा तीन किससे शामिल होता है, विधान सभा से एक बट्टा तीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। उसके बाद एक बट्टा तीन होते हैं जो स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय से होते हैं। एक बट्टा छह होते हैं मनोनीत, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। एक बट्टा बारह किया जाता है स्नातकों द्वारा, और एक बट्टा बारह किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। इसका मतलब है पांच बट्टा छह और एक बटा छह, पांच बटा छह ये क्या होते हैं निर्वाचित, और एक बटा छह क्या होते हैं मनोनीत। केवल कौन करता है, राज्यपाल, राज्य। इसका मतलब विशिष्ट वर्ग में क्या है, इसके अंतर्गत एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा बारह और एक बटा बारह, ये इतने समूह के लोग हैं ना, ये ही शामिल होते हैं। इनके अलावा बाकी पूरी जनता इसमें शामिल नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होती है पूरी समस्त जनता इसमें शामिल होती है। देखो प्रतिनिधित्व की समझ, देखो विधानसभा, विधानसभा राज्य की समस्त जनता की, विधानसभा राज्य की समस्त जनता की प्रतिनिधि है, समस्त जनता की प्रतिनिधि है, जबकि जबकि विधान परिषद, विधान परिषद कुछ विशिष्ट वर्गों की, कुछ विशिष्ट वर्गों की विशिष्ट वर्गों की। तीसरा पॉइंट है सदस्यों की संख्या के संबंध में, संख्या के संबंध में, संबंध में विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम कितनी होती है 60, ठीक है, अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने 60। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, अधिकतम 67 है ना, इसका मतलब 1/3 सदस्य संख्या, और किसकी 1/3 सदस्य संख्या, विधान सभा की, विधान सभा की ये होती है। और न्यूनतम कितनी होती है 40, 40 सदस्य, यहां पे गए कितने 60 सदस्य। ये दोनों में अंतर थोड़ा सी दिया है ना, इस चीज का थोड़ा सी ध्यान रखना। जहां पर क्या होगी विधानसभा होगी, विधानसभा में जितनी सीटें होती हैं उनका 1/3 या 1/3 सदस्य क्या होंगे विधान परिषद में शामिल होंगे ऑटोमेटिक। इस तरह के सदस्य संख्या के संबंध में, सदस्य संख्या के संबंध में किसी राज्य की, किसी राज्य में, किसी राज्य में, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500, अधिकतम 500 व न्यूनतम, न्यूनतम 60 होते हैं, न्यूनतम 60 होते हैं। परंतु परंतु विधान परिषद में, विधान परिषद में
सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की, अधिक से अधिक राज्य की, राज्य की विधानसभा के सदस्यों, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की, विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई, एक तिहाई होती है, एक तिहाई होती है वह न्यूनतम 40 सदस्य होते, न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? आनुपातिक, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय मध्य प्रणाली, इस प्रणाली के द्वारा इसको बोलते हैं अग्रता ही विजेता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स्ड कोटा उसको लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हाँ सबसे ज्यादा वोट है उसको अग्रता नहीं बोलते, एक फिक्स्ड कोटा है, यानी न्यूनतम 50%, कम से कम मतलब वोट है ना उसके 50% वोट आनी चाहिए। यहाँ पे 50% से कम है तो काम हो जाता है, लेकिन इसके क्या होता है, एक फिक्स्ड कोटा होता है, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का और विधान परिषद का तीनों एक समान होता है, जबकि यहाँ पे विधानसभा, ठीक है, लोकसभा दोनों का क्या होता है, अग्रता ही विजेता के समान। देखो जो भी कोटा है वो पूरा ना हो तो दोहरा चक्र, दूसरा विविगिरी के बारे में पढ़ा था ना आप 1969 में, विविगिरी जब राष्ट्रपति की पोस्ट खाली थी, राष्ट्रपति ने वापस त्याग पत्र दे दिया, एम विधायक जो उस समय राष्ट्रपति बने थे 1969 की, ठीक है, फिर दोहरा चक्र लिया गया, दूसरा चक्र ले लेते हैं उसको, दूसरे चक्कर के द्वारा यह देखा जाता है कि हाँ सबसे 50% कोटा होना चाहिए, 50% जितने भी वोट होते हैं ना उनके 50% कोटा पूरा हो गया, जो 15-15 जाके जमा होते हैं, हाँ तो है वो जब तो जाती है, फटाफट नहीं होता 15,000 की घूमे तो कम थोड़ी। अब पद है लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद में ज्यादा होते हैं, पैसे पहले पैसे थोड़े होते सबके पास, 15,000 रुपये खूब होते हैं, जाने जब तो जाती है। इनकी तो कमी होती है, कितनी होती है नहीं पता, लेकिन होती कमी है, कोई 500 से 1,000 रुपए के बीच में इतनी होती है, 1,000 रुपए तक होती, ज्यादा नहीं होती, कम है। राष्ट्रपति का बहुत बड़ा चुनाव, सरपंच तो बहुत सारे होते हैं लेकिन राष्ट्रपति एक ही होता है, वो है राष्ट्र का सरपंच, तो हर गांव में मिलते हैं, बोलो सरपंच की कमी होती है, ट्राई कर सकते हो आप, सरपंच चुनाव आप लड़ सकते हो, राष्ट्रपति का चुनाव अपने नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते सरपंच का, तो कोई लड़ सकता है 21 वर्ष अगर आयु आपकी, आप अभी तक 18 में हो, जब 21 वर्ष हो जाए ना उसके बाद में ट्राई कर लेना, 18 वर्ष वाला तो सिर्फ वोट दे सकता है, लेकिन 21 वर्ष का होने के बाद में पर्चा दाखिल कर सकते हो, लेकिन मैं उम्मीदवार हूँ इसका, सरपंच का ट्राई करने में कुछ नहीं होता, ट्राई आदमी को कर लेनी चाहिए, क्या पता लॉटरी खुल जाए, लॉटरी खुल जाए नहीं खुले तो क्या है इसमें, ट्राई करने में क्या होता है, गाँव में 15 सरपंच खड़े होते हैं, सरपंच तो एक ही बनता है, 14 की बेइज्जती नहीं होती तो हमारी भी नहीं होगी, इसे मान लेना,
निर्वाचन के संबंध में इसमें लिखो विधानसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और साधारण बहुमत की पद्धति के आधार, साधारण बहुमत की पद्धति के आधार पर, आधार पर साधारण बहुमत का मतलब अंदर कहीं विजेता, इसको बोलते हैं साधारण। परंतु परंतु विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से और ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली, ये प्रणाली सबसे पहले किसने दी, इस प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रपति पढ़ाया था, मैंने बताया डेविड हेयर, डेविड हेयर, डेविड सबसे पहले बेटर में दिया। हाँ, डेविड हेयर एक युवान है जिन्होंने सुझाव दिया किस प्रकार धन राष्ट्रपति के सुझाव पढ़ाए थे, डेविड हेयर। वन लाइनर पुस्तक बन सकता है डेविड हेयर, डेविड हेयर, डेविड हेयर। अगला है कार्यकाल के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में, संबंध में विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है सामान्यतः 5 वर्ष। विधान परिषद में कितना होता है कार्यकाल? कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्या होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता। इस चीज का मतलब क्या है? कार्यकाल नहीं होता, नहीं होता। परंतु सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्योंकि ये एक क्या है, स्थाई संघ है। कौन सा? स्थाई संघ, स्थाई सदन, और ये क्या है? स्थाई सदन, स्थाई सदन। देखो कार्यकाल के समय, कार्यकाल के सदन देखो साधारणतया विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। यद्यपि 5 वर्ष होता है, यद्यपि इस अवधि से पूर्व, इस अवधि से पूर्व भी मुख्यमंत्री, अवधि से पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर, मुख्यमंत्री के परामर्श पर, परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। इसके विपरीत, इसके विधान परिषद एक एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है।
इनके सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष होता। विधानसभा में एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और दूसरा क्या होता है, उपाध्यक्ष। लेकिन विधान परिषद में क्या होता है, एक क्या होता है, सभापति, और दूसरा क्या होता है, उपसभापति होता है। इस प्रकार होती है पदाधिकारी के संबंध में। देखो पदाधिकारी के संबंध में विधानसभा में दो पदाधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। जबकि विधान परिषद में सभापति व उपसभापति होते। कानून निर्माण के संबंध में, देखो यहां पर थोड़ा सी चेंजेस है। अपन ने क्या पढ़ा था कि एक सत्र होता है केंद्र में लोकसभा, दूसरा क्या होता है राज्य सभा। यहाँ पर थोड़ा सी इनमें बदलाव होता है। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर एक क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है। क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है ना। अनुच्छेद कौन सा होता है, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त का मतलब क्या होता है कि लोकसभा का कोई विधेयक है, ठीक है, राज्यसभा में भेजा, कोई जवाब नहीं है। कितने दिन तक, 6 महीने। विधेयक कौन सा होना चाहिए, साधारण वित्त विधेयक होना चाहिए। एक तो धन विधेयक या वित्त विधेयक हमेशा केवल लोकसभा में पेश होता है, धन और वित्त। और दूसरा कौन सा, साधारण विधेयक, यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं। लेकिन ये देखो 6 महीने तक इसको रोक सकती है कौन, राज्य सभा। एक मैंने आपको बताया धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। माना तो ठीक है, नहीं माना तो ऑटोमेटिक पारित माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सी चेंजेस है इसके अंदर, विधानसभा और धन परिषद नहीं, इनमें थोड़ा सी चेंज है। एक तो आपको पता है कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंतर्गत ये विधान सभा विधान परिषद नहीं है, पहली बार। तो एक तो देखो ये संयुक्त अधिवेशन होता नहीं है, ये संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, होता ही नहीं। हाँ, विधान परिषद हो या ना हो, संयुक्त अधिवेशन यहाँ होता ही नहीं, पहली बार।
अब इसके लिए क्या होता है, देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। अब इसमें देखो 6 माह है और 14 दिन का अंतर है यहाँ पे। साधारण रेखु कितने, अगर राजस्थान में तो है नहीं और कहीं पर है तो वो क्या कर सकती है, कौन सा विधेयक है? एक तो साधारण, कौन सा? साधारण। साधारण विधेयक को ये कितने महीने तक रोक सकते हैं? 4 माह, 4 माह। और धन विधेयक को कितने, 14 दिन तक रोक सकते हैं। अब ये 4 महीने ना 4 महीने, इन 4 महीने का सिस्टम ये होता है कि पहले क्या है विधानसभा में रखी गई कोई चीज विधानसभा से कहां जाएगी, विधान परिषद में जाएगी। अधिकतम होता है 3 महीने का, 3 महीने का टाइम होता है, ठीक है। पारित नहीं करेगी वापस आएगा, यहां पर वापस आएगा, अपने सदन में आएगा, फिर दोबारा ये सदन उसमें कुछ बदलाव करके वापस उसको पारित करेगा। फिर इनके पास टाइम कितना रहेगा, 1 माह का टाइम रहेगा, एक महीना आपको और देते हैं, 4 महीने। तो टोटल 3 और 1 कितने हो गए, 4 माह का टाइम होगा। अगर 4 महीने में कोई जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिक इसको पारित मान लिया जाता है, बोले कि आपकी कोई जरूरत नहीं हमारे में 3 महीने बाद ले लेना। हाँ, 3 महीने में एक बार एक चांस वापस दे सकते हैं, एक बार 3 महीने बाद वापस आएगा, वापस अगर इनके पास आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, बोले कि हाँ कोई ना कोई कमी है क्यों है, जरा वापस भेजे तो वापस विरोध कर सी और वापस हटा रख सी 1 महीना के लिए, 1 महीना पारित कर सी तो ठीक है, नहीं तो 4 महीने बाद में ऑटोमेटिक पारित मान लेसी। तो यहाँ पर देखो 6 महीने होता है अधिकतम, और यहाँ पर कितना होता है अधिकतम, 4 महीने ही होता है। अपार्ट अच्छे करते हैं, थोड़ी सीखना दिखा तो सर 4 महीने में पेपर तो नहीं मिलेगा वो पार्ट के समझे। हाँ ये तो बता रहा हूँ, 4 महीने में इसको पास करे या ना करे, 3 महीने तो ये हो गए, फिर वापस आएगा, फिर 1 महीने का टाइम वापस दिया जाएगा आपको कि इसको पारित करो, बोले कि पारित नहीं करेंगे तो सोते ही पारित मान लिया जाएगा 4 महीने बाद ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। और यहाँ पे 14 दिन बाद में ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर भी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर था, यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं था। 6 महीने तक अगर पारित नहीं किया तो दोनों को एक साथ बुलाते आओ, क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है, बैठने के बाद में उसका सोल्यूशन क्या जाता है, अनुच्छेद 108 जिसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। लेकिन राज्य के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं, राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को, हाँ राष्ट्रपति रहता है, मुख्य रूप से लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसको उसकी अध्यक्षता कराई जाती है, बाकी राष्ट्रपति ही बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। हाँ बैठा थे, बोले कि अब बोलो अब आपकी प्रॉब्लम क्या, आपने इसको पास किया, बोले कि हाँ नहीं किया, बोले कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोले ये चेंजेस करने इसमें। फिर वो आपस वहाँ पर लड़कों को दोस्तों से लड़ते हैं बाद में, हाँ इसमें ये बदलना है, इसमें ये बदलना है, ठीक है चेंज कर देंगे, इस प्रकार राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति का टप्पा लगते ही अधिनियम बन जाता है, पारित माना जाता है। तो एक तो ये संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है इसमें, दूसरी चीज अगर यहाँ पर देखो ये किसको बोल रहे हैं, नहीं होता है कहीं पर नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी होते हैं कौन से विधेयक, साधारण विद और तीनों प्रकार के विधेयक पहले कहाँ रखे जाते हैं, विधानसभा में रखे जाते हैं, क्योंकि विद विधेयक और धन विधेयक का सिस्टम क्या होता है, ये सबसे पहले विधानसभा में रखे जाते हैं या विधान लोकसभा में रखे जाते हैं, हमेशा साधारण विधेयक है इधर रख सकते हो या इधर रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर यह सदन होता ही नहीं किसी ने, इसलिए प्राथमिकता किसको दीजिए, विधान सभा को, कि साधारण विधेयक वित्त विधेयक और दल विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है नहीं, इसकी शक्ति केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के लिए विधान सभा के पास नहीं है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक ये शक्ति केवल क्या केंद्र के पास में ना कि राज्य के पास। तो ये तीनों है, तीनों की तीनों सबसे पहले किसमें रखे जाते हैं, विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं रखे जाते, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है, विधान परिषद के एकदम सही लैंड पे कुछ नहीं है बस, हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम। कानून निर्माण के संबंध में देखो, इसमें देखो कानून निर्माण के संबंध में देखो, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक
राज्य विधान बनेंगे राज्य विधानमंडल के, विधानमंडल के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक को, सदन विधेयक विधान परिषद, विधान परिषद केवल चार माह तक, केवल चार माह तक, चार के पोस्ट मिलेगी तीन प्लस एक, पहली बार 3 महीने बाद में अलग अलग निकलो ताकि याद रहे कि हाँ दो बार, 3+1 चार माह तक रोक सकती है, रोक सकती है, सकती है। अगला को वित्त क्षेत्र के सामने, वित्त क्षेत्र के सामने वित्त क्षेत्र के संबंध, संबंध वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक हमेशा, हमेशा विधानसभा में ही, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, जाता है। विधान परिषद, विधान परिषद, परिषद में स्वीकृति, में स्वीकृति के लिए, स्वीकृति के लिए 14 दिन का टाइम समय होता है। विधान परिषद में स्वीकृति के लिए 14 दिन का समय होता है, होता 14 दिन बाद में, 14 दिन बाद में, बाद में विधेयक, विधेयक स्वतः पारित मान लिया, स्वतः पारित मान लिया जाता, मान लिया जाता। अगला को राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा सदन शक्तिशाली है? राष्ट्रपति का निर्वाचन विधान सभा करती है, विधान परिषद, विधान सभा, केवल विधानसभा। अनुच्छेद 54, ठीक है ना, 54, 54 में क्या लिखा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा, विधानसभा व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसके अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी दो, दो ही शामिल है। तो यहाँ पे उसमें साफ साफ उल्लेख किसका है, विधानसभा का उल्लेख है, ना कि विधान परिषद का, विधान परिषद। इसका मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानसभा के सदस्य शामिल रहते हैं लेकिन विधान परिषद का उल्लेख क्या होता है, इसका मतलब ये है। कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध, के संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन में
राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधानसभा के सदस्य ही, केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं। विधान परिषद के सदस्य नहीं। इस प्रकार ये कुछ पारस्परिक में क्या संबंध है। ये तो समझ, अब इसके आगे का वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।